हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। और आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक परफेक्ट सर्कल। परफेक्ट सर्कल बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक आप ज़रूर देखें। और यहाँ पे परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हमें सिर्फ अपने फिंगर्स यानी कि उंगली और पेंसिल का यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, छोटा सा सर्कल बनाने के लिए हम अपने मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे यानी कि बीच वाली उंगली का, और उस बीच वाली उंगली को पेपर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से पेपर को राउंड घुमाएंगे। आप देखिए, एक छोटा सा सर्कल बनके रेडी हो चुका है। अब इससे बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम टू फिंगर्स को रखेंगे इक्वली, जिसमें हमारा रिंग फिंगर जो है यानी कि मिडिल फिंगर के बगल वाले फिंगर को हम पेपर पर रखेंगे और उसे पेपर को इस तरह से घुमाते हुए हम एक और सर्कल बना के रेडी कर लेंगे। तो देखा आपने कितना परफेक्टली ये बन जाता है और बहुत ही ईजी है। इससे भी बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम थ्री फिंगर्स का यूज़ करेंगे यानी कि जो लिटिल फिंगर है यानी सबसे छोटी उंगली का यूज़ करेंगे और इसी तरह से घुमाते जाएंगे पेपर को। या ध्यान रहे, जो भी फिंगर हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसे हमें पेपर पे ही फंसा के रखना है, पेपर से हिलाना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज जो सर्कल है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, और इससे भी बड़ी सर्कल बनाने के लिए आप अपने पाम का यूज़ कर सकते हो यानी कि अपनी हथेली के जो बोन है ना, वो कॉर्नर को आप पेपर पे रखिए, बट पेपर को बहुत ज़ोर से हमें नहीं दबाना है, नहीं तो पेपर घूमेगा नहीं। बस इसी तरह से, और पेंसिल को भी हमें सीधा रखना है। तो देखा, घुमाते हुए आप बिल्कुल परफेक्ट सा सर्कल बना सकते हो। एग्ज़ाम्स रहे या कुछ भी रहे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस ट्रिक से अगर आप बनाओगे। लेकिन हाँ, इस ट्रिक से बनाने के लिए भी आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखा आपने, परफेक्ट सर्कल बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको सभी शेप में सर्कल बना के बता दी हूँ। अब बताती हूँ फ्री हैंड सर्कल हम कैसे बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेंसिल को हमें स्लाइंटिंग वेवन नहीं पकड़ना है यानी कि टेढ़ा नहीं पकड़ना है, उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आप सर्कल बनाओ। तो आप देखोगे कि सर्कल बहुत ही हद तक परफेक्ट बनता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये ट्रिक? मैं आपको एक स्केच पेन से भी बना के बताती हूँ, ये भी बहुत ही इजी है। सेम प्रोसेस से हम अपने मिडिल फिंगर को या फिर रिंग फिंगर को सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से पेपर को घुमा देंगे। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लेकर के आऊँ, आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग आर्ट, क्राफ्ट एंड मेनी मोर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।